ट्विन टावर गिरा तो अमेरिका और अरब क्यों हुआ खुश? क्योंकि अमेरिका और पाक ने भारत की तारीफ। ट्विन टावर की मलबे से होगी करोड़ों की कमाई। बनाई जाएगी 10 किलोमीटर लंबी सड़क। 28 अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर जमीन दोस्त हो गया और ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 30 और 32 मंजिला गगनचुंबी इमारतें पल भर में मिट्टी में तब्दील हो गई। देश ही नहीं दुनिया ने इस तस्वीरों को देखा। आप जानते हैं कि ट्विन टावर गिरने के बाद दुनिया में भारत को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? अमेरिकी अखबार से शुरुआत करते हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्विन टावर गिराए जाने को लेकर क्या लिखा, पहले वो देखिए। भारत में कानून का उल्लंघन करने पर दो ऊंचे टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन दोनों अपार्टमेंट को गिराया गया। फिर आगे वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया, इन टावरों को इतने सूझबूझ से गिराया गया कि आसपास के अपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। यानी आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर किसी को जान माल की हानि हुए बिना अवैध बिल्डिंग को गिराया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नजीर बनी तस्वीरों के जरिए अमेरिकी अखबार ने भारत की तारीफ की। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की भी और वहां की पाकिस्तानी मीडिया की। अब आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, ये वही पाकिस्तान है जो दिन रात सुबह शाम पानी पी पी कर हमारे हिंदुस्तान को कोसता है, हमारे खिलाफ साजिश रचता है, हमारे यहाँ कुछ अच्छा या बुरा हो तो खूब तालियां बजाता है। वही पाकिस्तानी मीडिया ट्विन टावर को गिराए जाने की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े अखबार द डॉन ने जो लिखा, अब वो भी देखिए। दिल्ली के बाहर अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। भ्रष्ट डेवलपर्स और अधिकारियों पर भारत की ये सख्त कार्रवाई एक मिसाल बन गई है। यानी दुश्मन देश पाकिस्तान हमारी तारीफ कर रहा है। इसी तरह अरब देशों के सबसे बड़े मीडिया संस्थान अल जजीरा ने ट्विन टावर की तुलना दिल्ली के कुतुब मीनार से की और अपने अखबार में लिखा कि भारत ने नोएडा में 100 मीटर ऊंची इमारत को गिराया है। इसके बाद अखबार ने यह भी लिखा, इन ऊंची इमारतों को नियमों के विरुद्ध बनाया गया था। करीब 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद इसे ध्वस्त कराया गया। यानी देश ही नहीं दुनिया में भी ट्विन टावर को गिराए जाने पर भारत की तारीफ हो रही है। अब सवाल ये कि ट्विन टावरों के मलबे का किया क्या जाएगा? मलबा हटाने के बाद जब ये जगह साफ हो जाएगी तो क्या किया जाएगा? नोएडा अथॉरिटी ने क्या प्लान किया है? अब इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए। सुनने में आया है कि यहाँ पर पार्क बनाया जा सकता है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक टावर वाली जमीन का मालिकाना हक फिलहाल सुपरटेक बिल्डर के पास है। ट्विन टावर ढाए जाने से आस पास की सोसाइटी और एरिया में धूल फैली। सड़क, सोसाइटी और पार्क में लगातार नोएडा अथॉरिटी सफाई अभियान चला रही है। कहा जा रहा है कि नोएडा प्रशासन ने अथॉरिटी को सुझाव भेजा है कि मलबे को इस्तेमाल कर सड़क बनाई जाए। जितना मलबा निकला है उससे करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। खैर क्या बनेगा क्या नहीं, सवाल ये नहीं, नजीर तो ये तस्वीरें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और ये तस्वीरें बानगी हैं इस बात की कि भ्रष्टाचार पर ये वार है। और आज देश ही नहीं दुनिया को पैगाम दे रही है कि भारत अब बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।